मामूली बरसात में ही सतना नगर पालिका निगम के वार्डों के हालात बद से बदतर हो गए हैं। पूरे साल नगर निगम के होनहार जन प्रतिनिधियों के द्वारा तैयारियां की जाती हैं। दरअसल जल भराव को रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी स्थिति जस की तस बन गई है। शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सीवर लाइन का काम दो ठेका कंपनियां कर रही हैं, जिनके द्वारा शहर के मुख्य मार्गों समेत मोहल्ले और कॉलोनियों की गलियों को नर्क बना दिया गया है। सिविल लाइन के ठेकेदारों पर नगर पालिका निगम के जिम्मेदार अफसर नकेल कस पाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा शहर की जनता भुगत रही है। संभावित क्षेत्रों की पहचान कर जल निकासी व्यवस्था के स्पष्ट निर्देश राज्य शासन ने एक पखवाड़ा पहले सभी नगरीय निकायों को दिए थे, लेकिन इस दिशा में अपेक्षित कदम ना मैदानी अमले ने और ना ही तकनीकी अमले ने उठाए। सतना शहर में दो समस्याएं हैं, एक जल भराव को समस्या ना मानना, दो जिम्मेदारों का फील्ड में ना के बराबर जाना। कल जिन भी स्थानों पर पानी भरा था वो कोई नई जगह नहीं है, सभी को पता था कि ऐसा होना है, लेकिन किसी स्तर पर अपेक्षित प्रयास नहीं हुए और बात दोनों ओर से हेडलाइन और हेडलाइन मैनेजमेंट के बीच ही हर साल घूमती है। नतीजा ढाक के तीन बात हैं। अभी कश्यप मैरिज गार्डन के पास बड़ा जल भराव तय है, सालों से होता आ रहा है लेकिन कोई हल नहीं निकाला जा सका। दरअसल ये समस्या ना मानकर हेडलाइन मैनेजमेंट पर फोकस करने का नतीजा है। बस स्टैंड का जल भराव होता चला आ रहा है, पन्ना नाका में पानी भरेगा, अभी ठेकेदार ने डिवाइड के नाम पर कुछ जरूरी कट भी बंद कर दिए या सक्रिय कर दिए, इसके भी परिणाम मिलेंगे। कौन लेता है निर्णय पता नहीं, लेकिन प्रायोगिक नहीं होते हैं ये भी तय है। पहले वर्षा काल के पहले जिला प्रशासन आम जनों को ये बताता था कि कितने पुल पुलिया गांव बाढ़ संभावित हो सकते हैं। होमगार्ड बकायदे मार्क ड्रिल कराती थी, इसका प्रकाशन होता। अब तो विभाग को ही नहीं पता होता किन पुल पुलियाओं में ज्यादा बारिश होने पर उफान की संभावना है। यदि आप भी सतना स्टार द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान से जुड़ना चाहते हैं, चैनल को 100 लोगों से सब्सक्राइब कराकर दिए गए नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजें और आकर्षक इनाम पाएं।